प्रदूषण के चलते वाहनों की रफ्तार में कमी है। प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन, गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना। अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी, लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और AQI आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार बढ़ा हुआ है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि हवा में जहर घुल चुका है और तेजी से बढ़ रहा है प्रदूषण का स्तर। और 400 के पास पहुंचा है नोएडा का AQI। नोएडा का AQI 371 पहुंच चुका है। प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी कर दी है, उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लगेगा। और साथ ही नोएडा से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वसुंधरा क्षेत्र अधिक प्रदूषित हो गया है और हवा में जहर AQI यहां पर बुरी तरह से बढ़ा हुआ। सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में गिनती नोएडा का AQI 371 पहुंच चुका है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी ज्यादा बढ़ गया है। उल्लंघन करने वालों पर अब जुर्माना लगेगा और यहां पर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। आंखों में जलन और सांस लेने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तेजी से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। नोएडा की हवा बेहद जहरीली हो गई है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और प्रदूषण से परेशानी, प्रदूषित हवा, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर गले में खराश लोगों के। गाजियाबाद का AQI भी काफी ज्यादा हो गया है। तो सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नोएडा की गिनती और प्रदूषण से परेशानी, सांस लेने में परेशानी। नोएडा का AQI 371 हो गया है, 400 के पास पहुंचा नोएडा का AQI, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी ज्यादा बढ़ने से दिक्कतें हो रही हैं। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, प्रदूषित हवा जिसने लोगों का सांस लेना दूभर कर दिया है। तो यह हम खबर, जहां पर तेजी से बढ़ रहा है प्रदूषण का स्तर। नोएडा का AQI 371 हो गया है और नोएडा का AQI 364 है, यानी 400 के पास पहुंच चुका है AQI, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वसुंधरा क्षेत्र अधिक प्रदूषित हो गया है, तो सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नोएडा की गिनती हो गई है और नोएडा का AQI 371 हो गया है, तेजी से बढ़ रहा है। तो नोएडा की हवा बेहद जहरीली और 400 के पास पहुंचा नोएडा का AQI और प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है, आंखों में जलन है। तो देखिए, हवा धीमी होने से प्रदूषण काफी ज्यादा और ज्यादा दिक्कतें। और ग्रेटर नोएडा का AQI 364, नोएडा की हवा बेहद जहरीली है जिसके चलते लोगों के सामने दिक्कतें हैं। गाजियाबाद का AQI 364 के लगभग है। वसुंधरा क्षेत्र अधिक प्रदूषित माना जा रहा है। तो देखिए, हवा में जहर घुल चुका है और लोगों को अब सांस लेने तक में दिक्कतें हो रही हैं। और अहम खबर, जहां पर आंखों में जलन और सांस लेने में लोगों को दिक्कत है।